हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेए मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो संख्याएं अपने अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, भाग नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्याएं। ये हो जाती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और भी बहुत सारी हैं, तो हम डॉट 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 कर देंगे। दोबारा से देखिए क्या होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और आगे आ जाएगा 41, 43। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती। जैसे मान लीजिए 2 है, तो ये 2 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। इसी तरह 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 5 है, 7 है, ये सब इसी तरह से हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बिल्कुल अभाज्य संख्याओं का क्या है? अपोजिट है। वे किसी और से विभाजित नहीं होती थी और ये अपने अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती हैं। मतलब कट जाती हैं अपने अलावा किसी और संख्या से भी। ये हो जाती हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। मतलब आप ऐसे डॉट 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 मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यहाँ है वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ आएगा। इनको छोड़ के बाकी जो भी संख्या बचेंगी वो सब क्या है? वो सब भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 है, वो खुद से तो कटता ही है, 4 से तो हम इसे डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन ये अपने अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरह जैसे 6 है, ये 6 से तो कट ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 और 3 से भी कट जाता है। 8 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, इससे 4 से कर सकते हैं। इसी तरह 9, 10 सभी ये सारे के सारे ऐसे ही हैं कि अपने अलावा किसी और से भी कट जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ 2 है 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इस तरह से सारे नंबर्स आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहीं एक नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है कि जो हमारा एक है, जो एक है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। तो आज हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।